हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो चैनल को पहली बार है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पेडिग्री का रिव्यू करेंगे और एकदम ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे और जो भी सच है वो सब बताएंगे। तो जो हनी को पसंद है या नहीं पसंद है, वेस्ट करती है या जो भी है छोड़ देती है, तो सब कुछ बताएंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ पता चलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी एमआरपी से। इसकी एमआरपी मुझे 2000 रुपीज़ की पड़ी है, जो कि मैंने अपने नियर बाय में ऐसे शॉप पेट शॉप मैंने वहां से खरीद लिया था। तो मैंने ये 2000 की खरीदी है। उसके साथ ही साथ मैंने इसे जब पहली बार दिया था पेडिग्री का ही, तब वो तो पप्पी देते थे, लेकिन ये अडल्ट है। तो पेडिग्री का आप जब भी एक लेने आप पेडिग्री पप्पी वाले फूड से जब भी एडल्ट की तरफ शिफ्ट हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और कोई शिफ्ट हो रहा उसको शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके डॉग आप ले लो और आपके डॉग को मान लीजिए नहीं पसंद आई तो आपके रुपए भी जा सकते हैं। तो इस जब भी आप लीजिएगा एडल्ट डॉग का फूड, तो उसका सबसे पहले स्मॉल पैकेट ले लीजिएगा। जिस भी आप कंपनी का ले रहे हैं तो उसका स्मॉल पैकेट लीजिएगा और वो ट्राई करिएगा अपने पप्पी के साथ या डॉग के साथ। तो उसको पसंद आए तो आप ले सकते हो बड़ा वाला भी। तो हनी के साथ मैंने कोई ट्रायल नहीं किया था, मुझे पता था हनी को ये पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि हनी को पेडिग्री की पप्पी वाली फूड भी पसंद आ रहा था, तो मुझे गारंटी था लगभग इसे ये पसंद आएगा ही आएगा एडल्ट वाला। तो इसको इसको मैंने जब पहली बार दिया तो इसको पसंद आया, क्योंकि पप्पी थी तो इसको मैं बॉयल करके देता था। तो बॉयल करके जब इसे देते थे तब इसे पप्पी थी तब ये खा लेती थी, लेकिन अब इसे अगर बॉयल करके दूँ तो छोड़ देती है लगभग पूरा खाना। तो इसे बस अभी ड्राई फूड ही ज़्यादा पसंद है। तो इसको आपके भी डॉग को शायद ड्राई फूड ही पसंद हो, तो आप जब भी लीजिएगा, और आपका डॉग अगर 1 ईयर से बड़ा है तो उसको हो सके तो ड्राई फूड ही दीजिएगा, क्योंकि डॉग के जो भी टीथ वीथ में कोई चीज़ फंस जाती है तो वो ड्राई फूड के कारण वो खाते हैं तो वो निकल जाती है। पप्पी है तो उसको बॉयल करके जरूर दीजिएगा, वरना उसको दिक्कत भी हो सकती है खाने में। तो पप्पी है तो बॉयल करके दीजिएगा, और बाकी आपका डॉग बड़ा है तो उसको ड्राई ही दीजिएगा। तो इसका रिव्यू मैंने बताता हूँ, जैसे कि ये हनी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मुझे बाकी कंपनियों से पेडिग्री की ये मीट एंड राइस का मैं वेरिएंट देता हूँ, मीट एंड राइस बेस्ट है, और आप भी मीट एंड राइस ही लीजिएगा अपने डॉग के लिए। और तो बाकी कंपनियों से मुझे पेडिग्री सबसे बेस्ट ही लगती है डॉग फूड के मामले में। और बाकी मैंने और भी रॉल्स का इसको दिया है, लेकिन वो उतनी उसको नहीं पसंद आया जितना इसे पेडिग्री पसंद है, तो मैं पेडिग्री के ही साथ जाता हूँ हमेशा। तो अभी आगे आपको इसको थोड़ा सा खिला के भी दिखाएंगे, और इसे गाइस बहुत पसंद है, आप इसका खाएगी तो आप खुद ही पहचान जाओगे। तो आप भी हो सके पेडिग्री के साथ जाना, ट्राई करना चाहो और भी कंपनी का देख सकते हो एक दो बार, लेकिन हो सके तो पेडिग्री के साथ जाओ, क्योंकि बेस्ट इसका होता है। और ये आपके डॉग का कोट भी अच्छे से मेंटेन कर रखता है जैसे कि इसका है, और ये काफ़ी अच्छा आपकी डॉग का डाइट बहुत अच्छे से रखता है, एकदम ख्याल बहुत अच्छे से रखता है आप ये फूड, और काफ़ी बढ़िया है। मीट एंड राइस वेरियंट ही लीजिएगा लिया तो। और तो अभी थोड़ा सा फूड इसको ट्राई करते हैं, अभी ये बैठी आराम से, वैसे ही उतरती नहीं है लेकिन फूड देखेगी तो शायद उतरा है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। मैंने इसके लिए निकाल लिया है, मैंने कुछ थोड़ा सा फूड निकाला, अब देखते हैं क्या करती है। तो मैंने अभी इतना सा फूड निकाला और देखिएगा, तो अभी तो इसका कुछ इसे पता ही नहीं चला ये पड़ के, देखें इसके मुँह में लेकिन पानी आ रहा है और ये लेकिन जा नहीं रही है। तो अब इसके लिए एक ही आइडिया है, इसको एक खिलाना पड़ेगा पहले तो इसे पता चले हाँ पेडिग्री है। तो देखिएगा गाइस, अभी इसने खा लिया, इसको बहुत ये पसंद है, लगभग इसे बहुत ही ज्यादा ये पसंद है। तो अब इसको एक बार नीचे उठा देते हैं, हनी टेक इट। तो इसको टेक इट तो बहुत ही ज्यादा समझ में आता है, और देखिए ये कैसे खा रही है। और आप भी अपने डॉग के लिए पेडिग्री का ही सामान लीजिएगा, मतलब फूड आप ले रहे हो तो हो सके तो पेडिग्री का ही लीजिएगा, क्योंकि पेडिग्री मेरे ख्याल से तो सबसे बेस्ट है इस टाइम। आपके डॉग की वो बहुत ही अच्छे से हेल्थ मेंटेन रखती है, इस हिसाब से वो प्रोडक्ट देते हैं। तो हो सके तो पेडिग्री के साथ ही जाना, और मुझे तो बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी लगी, और बहुत ही अच्छी इसके मैंने रिव्यू जैसे बताया रिव्यू में कि इसकी क्वालिटी के साथ साथ ये आपके डॉग का कोट बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखता है सब कुछ। आप ये इतनी एनर्जेटिक है कि पूछिए मत, बहुत ही खेलती है, और इसको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद भी है हनी को। तो आप भी जा सकते हैं पेडिग्री के साथ, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।